ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डेसिमल प्लेसेस इन विच आई विल डिस्कस प्लेस वैल्यू चार्ट. ओके, और मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस, मैं आपको बताऊंगी कि इस चार्ट में जो स्मॉल टी है वो रिप्रेजेंट करेगा टेंथ्स को, जो स्मॉल एच है वो रिप्रेजेंट करेगा हंड्रेड्स को, जो स्मॉल टी एच है वो रिप्रेजेंट करेगा थाउजेंड्स को, और ये जो प्लेस वैल्यूज है टेंथ्स, हंड्रेड्स और थाउजेंड, इनके साथ THS और THS आ रहा है. तो जब भी ये THS और THS आए, इट मीन्स कि ये डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज हैं. ठीक है, और O रिप्रेजेंट करेगा वंस को, T रिप्रेजेंट करेगा टेंस को, कैपिटल T. ठीक है, कैपिटल O रिप्रेजेंट करेगा वंस को, कैपिटल T टेंस को, और कैपिटल H हंड्रेड्स को रिप्रेजेंट करेगा. तो इस तरह से आपके पास प्लेस वैल्यू के अंदर वैल्यूज गिवन होंगी, डैट इज स्मॉल टी स्मॉल एच स्मॉल टी एच, कैपिटल ओ कैपिटल टी कैपिटल एच. और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लेटर किस चीज़ के लिए स्टैंड कर रहा है, ताकि अगर आप अलग से आपको प्लेस वैल्यू लिखनी हो तो आप इजीली लिख लें. ठीक है, जैसे जहाँ पे आपने प्लेस वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो आप इजीली लिख लें. अब यहाँ पे देखिए, प्लेस वैल्यू चार्ट में सबसे पहले है 1/10. ठीक है, अब 1/10 को आपको पता है कि आप क्या लिखते हो, डेसिमल में 0.1. ठीक है, अब डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट में यहाँ पे क्या बना हुआ है, पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज और पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज. अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो पॉइंट से पहले वाली, मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी करूँगी. आप देखें, आपके पास फॉर एग्जांपल नंबर होता है 9. ठीक है, अब 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, डेफिनेटली वंस. ठीक है, अब आपके पास है, ओके, यहाँ पे 9 की प्लेस वैल्यू है वंस, तो 1 की क्या हो जाएगी यहाँ पे टेंस, और यहाँ पे 3 है तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी हंड्रेड्स. अब याद रखें कि 3 1 9, वंस टेंस हंड्रेड्स, जब पॉइंट प्लेस होता है तो यहाँ पे प्लेस होता है. इसका मतलब है पॉइंट से पहले वाले जो नंबर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू वैसी ही होगी जैसी आप, क्योंकि ये होल नंबर है ना, तो होल नंबर की प्लेस वैल्यू वैसी ही होगी जैसे आपने नॉर्मली इससे पहले प्लेस वैल्यूज स्टडी की है 3 क्लास में. ठीक है, अब पॉइंट के बाद जो फर्स्ट नंबर है, अब देखिए यहाँ पे, अब मैं दोबारा इधर आऊँगी, 0.1. देखिए, अब ये क्या है, ये पॉइंट से पहले वाले जो होल नंबर है उनकी प्लेस वैल्यू वैसी लिखी हुई है, 1, 10, 100. तो जैसे जैसे आपके पास लेटर्स आते जाएंगे आप यहाँ पे लिखते जाओगे, फिर आपके पास आ जाएगा पॉइंट, और डेसिमल पॉइंट के बाद जो सबसे पहला नंबर है उसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, टेंस, जैसे मैंने आपको पहले बताया भी है. ठीक है, सबसे पहला नंबर जो है यहाँ पे, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, टेंस. ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद. तो अब ये देखिए 3 1 9.2, यहाँ पे 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 2 टेंस. मैं इसको यहाँ पे लिखूंगी 2 टेंस, मीन्स 10 और आगे THS, 2 टेंस. ठीक है, और इसको अगर फ्रैक्शन में लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, दैट इज 2/10. वेरी सिंपल, 2 टेंस इसकी प्लेस वैल्यू है और इसकी वैल्यू क्या है, 2/10. ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट के फौरन बाद, डेसिमल पॉइंट के फौरन बाद जो फर्स्ट नंबर है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, टेंस. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1/100. अब यहाँ पे देखिए, इसमें उसी तरीके से आपके पास ये पॉइंट, डेसिमल पॉइंट से पहले वाली जो प्लेस वैल्यूज है वैसे ही है, वंस टेंस हंड्रेड्स. ठीक है, ये जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ये देखिए वंस टेंस हंड्रेड. अब डेसिमल पॉइंट के बाद जो पहला नंबर था उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, टेंस, जो स्मॉल टी से लिखी हुई है, और जो सेकंड नंबर है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, हंड्रेड्स. मैंने पहले भी आपको क्लियर किया है, तो जो सेकंड नंबर होता है डेसिमल पॉइंट के बाद, जो सेकंड नंबर होता है उसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, हंड्रेड्स. सपोज करें यहाँ पे मैं एक और नंबर लिख रही हूँ, दैट इज 7. अब 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, हंड्रेड्स. ठीक है, 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, हंड्रेड्स. आप जब इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे, देखिए मैंने अंडरलाइन किया है, तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी, 700s. ठीक है, दैट इज 700s, और यानी 100 लिख के आगे THS. ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी आप प्लेस वैल्यू लिखेंगे, पहले प्लेस वैल्यू नॉर्मली 10, आगे THS, टेंस, 100, आगे THS, हंड्रेड्स. और आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 7/100. ये इसकी प्लेस वैल्यू है और ये इसकी वैल्यू है. ठीक है, अब जो थर्ड नंबर आ जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 1/1000, जिसको आप डेसिमल में लिखते हो 0.001. अब यहाँ पे देखिए, ओके, नाउ दिस इज 0.001. सो यहाँ पे देखिए, पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट क्या है, टेंस,
सेकेंड हंड्रेड्स एंड थर्ड थाउजेंड्स। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, स्मॉल टी फॉर टेंस, स्मॉल एच फॉर हंड्रेड, स्मॉल टी एच फॉर थाउजेंड्स, और ये पॉइंट के बाद के डिजिट्स की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और पॉइंट से पहले कैपिटल ओ फॉर वंस, कैपिटल टी फॉर टेंस, कैपिटल एच फॉर हंड्रेड्स। मैं बार बार इस वजह से रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो, ठीक है। सो पॉइंट से पहले एक ही डिजिट है और उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, वंस। ये देखिए मैंने कलर से भी इसको डिफ्रेंशिएट किया हुआ है कि यहाँ पे आपके पास ये डार्क कलर है और ये लाइट है, ठीक है। तो अभी देखें यहाँ पे मैंने फर्स्ट डिजिट जब लिखा, पॉइंट के बाद जब फर्स्ट डिजिट है दैट इज़ टू टेंथ्स। ये भी आपको मैं प्लेस वैल्यू चार्ट में प्रॉपर करके बताऊँगी, ठीक है। दैट इज़ टू बाई टेन। ये क्या है, सेवन हंड्रेड्स, दैट इज़ सेवन बाई हंड्रेड, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, फाइव, इसको देखिए फाइव को मैं लिखती हूँ, दैट इज़ फाइव थाउजेंड्स, ठीक है। अभी हम इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में भी लिखेंगे, थाउजेंड के आगे टी एच एस, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फाइव बाई थाउजेंड को। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पता होना चाहिए, फाइव थाउजेंड्स मीन्स फाइव बाई थाउजेंड, मीन इसकी प्लेस वैल्यू ये है और वैल्यू ये है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखें, आपको हर डिजिट की प्लेस वैल्यू पता चल जाएगी। पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट से जो पहले वाले नंबर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू बिल्कुल जैसे नॉर्मली आप करते हो वैसे ही आएगी, दैट इज़ वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। और पॉइंट के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। तो अभी मैं आपको डिफरेंट क्वेश्चंस करवाती हूँ जिसमें आपने सिंपली क्या करना है कि अपने जो नंबर्स हैं उनको प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेस करना है। तो लेट्स टेक स्टार्ट। जी यहाँ पे एग्जांपल्स हैं जिसमें हमने क्या करना है कि हमने ये जो 38/100 है इसके लिए हमने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है, ठीक है। मींस इसके हर एक डिजिट को प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना है। याद रखें, अगर आपके पास फ्रैक्शन में है क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट उसको प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेस नहीं कर सकते, तो पहले आप उसको किस में चेंज करेंगे, डेसिमल में, ठीक है। क्योंकि ये डेसिमल नंबर्स का प्लेस वैल्यू चार्ट है, तो आपके पास अगर क्वेश्चन फ्रैक्शन में है तो पहले उसे डेसिमल में चेंज करें। 38/100 मीन यहाँ पे क्या है, 100 है, टू ज़ीरोज़ हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ज़ीरो पॉइंट, पॉइंट के बाद भी टू डिजिट्स आ जाएंगे और हमारे पास टू डिजिट्स यहाँ पे हैं, तो ये क्या है, 0.38, ठीक है। अब देखिएगा, मैं वन बाय वन ये जो डिजिट्स हैं इनको इस चार्ट में प्लेस करूँगी। यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट से पहले, ये देखिए यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ गया, इट्स वेरी सिंपल। ये क्या है, ज़ीरो पॉइंट से पहले फर्स्ट डिजिट है, ये कहाँ पे आएगा, वंस की प्लेस में, ठीक है। और ये कहाँ पे आएगा, ये क्या है, टेंस, ठीक है। और ये क्या है, 800s, ठीक है। हम यूँ भी कह सकते हैं, इसको जब लिखना होता है ना आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में क्या है, ज़ीरो वंस, ठीक है, ये वंस की प्लेस पे है, क्या है, थ्री टेंस, और फिर क्या है, 800s। ये मैं इस वजह से आपको लिखवा रही हूँ क्योंकि डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट को रीड करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। आप डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट में नंबर्स को लिखते हैं और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपने इन प्लेस वैल्यू को डिटेल में कैसे लिखना है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखें, नाइन होल 111/1000। अच्छा, यहाँ पे अगेन आप डायरेक्ट देखें फ्रैक्शन को या मिक्स नंबर को डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते हैं, कहाँ पे मतलब डिजिट्स को आप डायरेक्ट प्लेस वैल्यू चार्ट में नहीं लिख सकते। तो सबसे पहले हम इसको चेंज करते हैं, 9 पॉइंट, ये आपके पास क्या आ जाएगा, थ्री ज़ीरोज हैं, थ्री डिजिट्स कंप्लीट हैं, ये होल नंबर है, पॉइंट से पहले आएगा और ये फ्रैक्शनल पार्ट पॉइंट के बाद 9.111। अब मैं इसको प्लेस करके आपको दिखाऊंगी। अब ये देखें यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 9, ठीक है। तो 9 पॉइंट से पहले है तो ये इसकी प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी, वंस, ठीक है। यहाँ पे ये वंस के नीचे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट के बाद ये क्या है आपके पास, यहाँ पे पॉइंट आ गया, ये क्या है, टेंथ्स, ये क्या है, हंड्रेड्स, और ये क्या है, थाउजेंड। अच्छा, ये टेंथ्स और हंड्रेड्स वाली प्लेस यहाँ पे इस वजह से रह गई है कि यहाँ पे टेंथ्स और हंड्रेड्स वाली प्लेस में कोई डिजिट्स ही नहीं थे। जैसे यहाँ पे भी टेंथ्स और हंड्रेड्स वाली प्लेस पे डिजिट ही कोई नहीं थे और टेंथ्स में भी नहीं थे, तो यहाँ पे फिर हम इनको ब्लैंक छोड़ देंगे। अब यहाँ पे क्या है, नाइन वंस, वन टेंथ्स, ठीक है, वन हंड्रेड्स, पॉइंट से बाद पहला डिजिट टेंथ्स, सेकेंड डिजिट हंड्रेड्स,
ठीक है, टी एच एस और थर्ड डिजिट 1000s. ओके, वी विल डू इट लाइक दिस. सो इस तरह से आपने पहले आपने चेंज करना है डेसिमल में, और उसके बाद आपने प्लेस वाली चार्ट में अपने नंबर्स को सिंपली प्लेस कर देना है. ठीक है जी. देर इज़ वन मोर एग्जाम्पल, दैट इज़ 485:29/100. अगेन रिपीट कर रही हूँ कि पहले आपने डेसिमल में चेंज करना है. दैट इज़ 485, ये होल पार्ट है तो ये पॉइंट से पहले आ जाएगा, फिर डेसिमल पॉइंट एंड देन 29. तो ये आपके पास जो है 485. अच्छा, अब आप इसको प्लेस करेंगे. ये क्या है आपके पास वंस, ये क्या है आपके पास टेंस, और ये क्या है आपके पास हंड्रेड्स. दिस इज़ वंस, दिस इज़ टेंस एंड दिस इज़ हंड्रेड्स. ठीक है, और फिर आपके पास क्या आ जाता है डेसिमल पॉइंट, और डेसिमल पॉइंट के फौरन बाद जो पहला डिजिट है दिस इज़ टेंस एंड दिस इज़ हंड्रेड्स. सो यहाँ पे 1000 मिसिंग है, तो यहाँ पे 1000 वाले को हम ब्लैंक छोड़ देंगे. सो इन दिस वे यू कैन मेक प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ एनी डेसिमल नंबर. अब सिमिलरली इसी से ना आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व होगा. क्वेश्चन नंबर 11 में भी देर आर टू मेथड्स. फर्स्ट मेथड ये है कि आप इनके भी प्लेस वैल्यू चार्ट बना दें, और वहाँ से क्लियरली आपको पता चल जाएगा कि प्लेस वैल्यूज़ क्या है. नहीं तो आप माइंड में रखें कि यहाँ पे पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट क्या है टेंस, और ये क्या है हंड्रेड्स. तो यहाँ पे ये देखिए, अगर मैं 6.56 है, ठीक है, क्या है 6.56, तो यहाँ पे देखिए 6 यहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 5, और यहाँ पे आ जाएगा 6. अब यहाँ पे देखिए ये क्या है वंस, ये क्या है टेंस, और ये क्या है हंड्रेड्स. तो आपने इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है ना 6 की, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 600s. तो इसमें टू मेथड्स होते हैं, एक ये कि आप प्लेस वैल्यू चार्ट को माइंड में रखें और फिर सॉल्व करें, या यहीं पे छोटा छोटा देखें वंस टेंस हंड्रेड्स, या प्रॉपरली प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएं और उसके बाद उसके नीचे प्लेस वैल्यू लिखें. ज़्यादा बेस्ट ये है कि आप प्रॉपरली प्लेस वैल्यू चार्ट बना के फिर आप उसके नीचे प्लेस वैल्यू मेंशन करें. ओके, क्योंकि लेकिन आपने क्योंकि इसको बुक पे करना है, तो आप सिंपल ये वाला चार्ट जो है वो अपने माइंड में भी रख सकते हैं और फिर आपने इसको सॉल्व करना है. ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, छोटा सा है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, डैट इज़ डेसिमल प्लेसेस. ये जो पॉइंट के बाद डिजिट्स होते हैं इनको हम कहते हैं डेसिमल प्लेसेस. ठीक है, अब ये पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट है, ये फर्स्ट डेसिमल प्लेस है. ठीक है, अब देखिए पॉइंट के बाद जो फर्स्ट डिजिट होता है वो फर्स्ट डेसिमल प्लेस होता है, सेकंड सेकंड डेसिमल प्लेस, थर्ड थर्ड डेसिमल प्लेस. अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपके पास पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं. ठीक है, अगर तो आपके पास पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है, तो आप कहते हैं कि डेसिमल डिजिट, डेसिमल जो नंबर है उसमें वन डेसिमल प्लेस है. ठीक है, यहाँ पे कितनी डेसिमल प्लेसेस है, वन डेसिमल प्लेसेस. ठीक है, अब अगर पॉइंट के बाद अगर आपके पास टू डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास कितनी डेसिमल प्लेसेस है, टू डेसिमल प्लेसेस. ठीक है, आपके पास जो डेसिमल नंबर है उसमें कितनी डेसिमल प्लेसेस है, टू. क्यों टू है, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, टू. इसी तरीके से अगर आपके पास थ्री डेसिमल प्लेसेस, थ्री डिजिट्स हैं, तो इट मीन्स कि आपके पास कितनी डेसिमल प्लेसेस है, थ्री डेसिमल प्लेसेस. ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन समटाइम्स बच्चों को समझ नहीं आता कि डेसिमल प्लेसेस होती क्या है. तो पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो डेसिमल प्लेसेस होती हैं. ठीक है, अगर यू हैव वन डिजिट, टू यू विल से दैट वी हैव वन डेसिमल प्लेस. इफ यू आर हैविंग टू डिजिट्स आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट, यू विल से वी हैव टू डेसिमल प्लेसेस. एंड इफ यू हैव थ्री डिजिट्स आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट, यू विल से दैट यू आर हैविंग थ्री डेसिमल प्लेसेस. सो दिस इज़ फर्स्ट डेसिमल प्लेस. ओके, यहाँ पे आप इसे कहेंगे फर्स्ट डेसिमल प्लेस, सेकंड डेसिमल प्लेस, फर्स्ट डेसिमल प्लेस, सेकंड डेसिमल प्लेस एंड थर्ड डेसिमल प्लेस, जैसे आपकी पोजीशंस होती है ना वैसे. एंड ओवरऑल वी से दैट इट हैज़ थ्री डेसिमल प्लेसेस. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.